दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी आई एस क्रिकेट में। तो आज का वीडियो होने वाला है मेनली क्यू एन ए सेशन, जो हमारे चैनल में इससे पहले नहीं हुआ। इसका करने का जो मकसद है वो है आपका जो भी डाउट्स है, अभी जो करंटली एक बंदा बैट खरीदने जाता है तो उसको जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास मैंने कुछ क्वेश्चन जो है मैंने व्हाट्सएप से कलेक्ट किया है, जो भी आप लोग जो क्वेरी करते हैं व्हाट्सएप से उससे जो कलेक्ट करके एक निकाला गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चूज ए बैट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बैट कैसे चॉइस करें। तो मेन चीज़ है बैट का चॉइस करने का, तीन चार जो है प्रोसीड्योर्स है। एक है बैट का वेट, आपको कैसा वेट का चाहिए। जैसे वेट मुझे हल्का चाहिए, अराउंड 9 to 2000। मीडियम का चाहिए, 1000 से 1050, 1070-1080। या फिर मुझे हेवी वेट में चाहिए, मुझे बहुत जो हेवी वेट से मैं खेलता हूँ तो हेवी वेट चाहिए, 1100 ग्राम या 1100 ग्राम से ऊपर। तो आपको सारे बैट्स मेरे पास मिल जाएंगे। तो आप जैसा आपका वेट का चाहिए, जैसे और उसके बाद होता है लेंथ बैट का। ज़्यादातर जो है बैट टेनिस क्रिकेट में 35 इंच का रहता है, तो 35 से अगर आपको ज़्यादा चाहिए 36 मिल जाता है मेरे पास। उससे कम चाहिए 34, वो भी हम ऑर्डर में बना देते हैं, मतलब कंपनी से बोल के वो बनवा लेते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो ये तो बैट का कैसे चॉइस करना है, अभी आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कैसा बैट चाहिए। तो उसके हिसाब से आप ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा बैट चाहिए, मेरे को ये वेट का चाहिए, ये हाइट का चाहिए। तो कोशिश करेंगे उसको एडजस्ट करके वो करवाए जाए। ठीक है, तो और बाकी आप ये भी देख सकते हैं बैट के ऊपर कि ग्रेन्स कैसा है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें तो रहती ही है बैट में। और एज भी रहता है कि एज कितना आपको चाहिए, डबल ब्लेड में चाहिए, सिंगल ब्लेड में चाहिए, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बैट ऑर्डर कैसे करें। तो ये भी बहुत, ये सबसे सिंपलेस्ट थिंग है। आपको नीचे दिए नंबर पे जो यहाँ पे जो नीचे आपको टाइटल में नंबर देखने को मिलेगा मेरा वी आई एस क्रिकेट में 9547141097, ये नंबर है। आप इससे सिंपली कांटेक्ट कीजिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। तो आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, जैसे आपका फुल एड्रेस मुझे सेंड करना होगा, आपको कौन सा बैट चाहिए वो भी जो एक बोलना होगा। तो ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि आपको बैट को जो है व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के थ्रू आपको चॉइस करवाया जाता है कि आपको कौन सा बैट चाहिए, आपको कौन सा बैट चाहिए, और उसी ब्रांड के अंदर आपको एक पर्टिकुलर बैट आपको सिलेक्ट करके वहाँ से वो प्रोसीड्योर के थ्रू एक सिलेक्शन हो जाता है कम्युनिकेशन करके कि कैसा वेट का चाहिए, कैसा हाइट चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ें रहेगी। और आपको प्रीपेड कैश ऑन डिलीवरी दोनों ही अवेलेबल मिल जाएगा हमारे पास। प्रीपेड में क्या होता है, फ्री डिलीवरी होती है, और कैश ऑन डिलीवरी जो है उसमें 200 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। ये ऑल ओवर इंडिया का एप्लीकेबल है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। आपको जो है 200 रुपये उसका डिलीवरी चार्ज जो लगता है कैश ऑन डिलीवरी पे, वो 200 रुपये पहले डालना होता है, मतलब पहले आपको भेज देना होता है फ़ोनपे के, फ़ोनपे गूगल पे या फिर कुछ भी रहता है उसके थ्रू। और बाकी बैट का जितना पेमेंट होता है वो फुल कैश में हो जाता है। जैसे आपको बैट कुरियर पर्सन देने आता है तो उसको आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर सकते हैं, जैसा भी वो लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका शायद इसके बाद और ऑर्डर करने में शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर ये वीडियो कोई देख लेता है तो उसके बाद। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि ये थोड़ा सा क्या बोले रैंडम सा क्वेश्चन है कि बैट का क्वालिटी सही रहेगा ना, अगर मतलब मेरे को कोई कस्टमर पूछ रहा है कि बैट का क्वालिटी सही रहेगा ना, तो इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए बैट का क्वालिटी हम हमेशा सही देने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हम जो ब्रांड्स को हम लोग जो है हम जो ब्रांड्स के डीलर्स हैं उन ब्रांड्स में हम कोशिश करते हैं कि जो बैट हमारे पास आ रहा है, हमारे थ्रू जो बैट सेल हो रहा है, तो उसमें कोई बैट का खराबी ना निकले। आपको जो बैट हम देंगे ये सोचिए कि बहुत सारे बैट्स को हम लोग चॉइस करके वहाँ से हैंड पिक करके लेके आते हैं। आपको कोशिश करते हैं कि एक बैट में भी कोई ऐसा ख़राबी ना आए कि आपको कोई दिक्कत आए कि सामने से नहीं भाई मुझे तो यह बैट खराब मिल गया, ऐसा हम कोशिश करते हैं कि जितना ना हो सके। और हम कोशिश क्या करते हैं, हम करते भी है कि भाई एक बैट में भी खराबी ना आए, तो ये चीज़ हमारी रहती है। तो वो क्वालिटी में आपको एश्योरेंस मिल जाएगा। बाकी आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के थ्रू करते हैं और आपका वेट भी दिखाया जाएगा और उसमें भी आपको क्वालिटी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते, इसके बाद जो चार नंबर का क्वेश्चन है वो भी रैंडम सही है कि बैट एक्चुअल में हम तक पहुंचेगा क्या, पहुंचेगा ना। तो मतलब इसका बोलने का ये अगर मैं आंसर दे रहा हूँ तो समझ लीजिए
ये बोलने का एक ही मैं बोलूंगा कि हम जो है लगभग एक साल से ऊपर तो हो गया यूट्यूब में काम करते हुए, तो हम लोग इतने कंटिन्यूसली, हम ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो डाला जो है तीन महीने बाद एक वीडियो डाल रहे, ऐसा नहीं है। तो हम कंटिन्यूसली वीडियो डालते हैं, कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते हैं। और एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि क्वालिटी, जो पहले ये पिछले वाले जो क्वेश्चन था क्वालिटी का, उसमें एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया और ये भी उससे भी रिलेटेबल है कि हम कोशिश करते हैं जो अगर मेरे यहाँ से 100 बैट निकल रहा है तो उसके अंदर एटलीस्ट 90-95% बैट्स का मेरे पास डिस्पैचिंग वीडियो हो। आप हमारे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा जितना ये लॉन्ग वीडियो है उससे कई गुना ज़्यादा आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा। उस शॉर्ट वीडियो के अंदर भी सबसे ज़्यादा होता है डिस्पैचिंग वीडियो। डिस्पैचिंग वीडियो का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से किसी बंदे ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई एक बैट ऑर्डर किया है, कोई भी इंडिया के कहीं पर हो, इंडिया से बाहर भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस बैट का एक डिस्पैचिंग वीडियो बनाते हैं कि ये बैट जो है सोल्ड आउट हो चुका है, ये जा रहा है ये बंदे को, या फिर इसी जगह पे किसी उड़ीसा में हो गया, या फिर महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड हो गया, या फिर अलग अलग जगह पे। तो ये हम कोशिश करते हैं कि जो है हर बैट में बनाया जाए। इसमें क्या रहता है, वो बंदे ने जो वीडियो कॉल में बैट चॉइस किया था वीडियो कॉल या फिर फोटो के थ्रू, तो वो उसको वो बैट मिल जाए कि हाँ वो आप उसके पास जा रहा है तो उसको वो चीज़ मिल रहा है, तो वो वहाँ से क्लैरिटी हो जाता है। और कस्टमर्स जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की हाँ ये मैं सोच रहा हूँ कि लेने का, यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो उनको भी ऐसा एक भरोसा आए कि हाँ हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, इससे भरोसा करके ले सकते हैं कि हाँ ये जो लॉन्ग टर्म में काम करता है। और पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी रहता है जो प्रोसेस में कि हाँ जो भी हो रहा है सबके सामने हो रहा है, सबको दिख रहा है कि हाँ ये हम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन का आपको आंसर शायद मिल गया होगा इतने में कि ये एक्चुअली में पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन ये है कि बैट पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो देखिए अभी इसमें सिनारियो क्या है कस्टमर का जो मेरे से पूछ रहा है कि उसने भाई ऑर्डर दे दिया, दो तीन दिन हो गया, तो उसके बाद बैट पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली में आप इंडिया के कहाँ से हो, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर कहाँ से हो। तो ओवरसीज मेनली जो है आपको मान के चलना होगा कि 2 हफ्ता टाइम लग सकता है, या ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ता लगता है, उससे पहले भी जाता है। हमारे यहाँ से यूके में माल गया है, लगभग 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर भी हो चुका है, तो ऐसा है। तो आपका इंडिया अभी बाहर का जो भी है वो तो हमने बोल दिया कि इतना टाइम लगता है, अभी इंडिया के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर हमारा जैसा है, हमारे यहाँ ये हम वेस्ट बंगाल में हैं, वर्तमान में हैं, तो यहाँ से जो है अगर आप विद इन वेस्ट बंगाल मंगवाते हैं तो बहुत जल्दी जाता है। जैसे आज ऑर्डर किया तो 2 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाएगा। और उसके बाद अगर आप वेस्ट बंगाल में बाहर से लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ईस्ट जोन, ईस्ट जोन का मतलब है हमारे जो इंडिया का मैप है वहाँ पे ईस्ट जोन का अंदर आता है, जैसे उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया, तो ये सब जगह से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। और अगर उससे बाहर करते हैं, उससे बाहर मतलब आप अगर क्या बोले आपका नॉर्थ जोन से है, वेस्ट जोन से है, साउथ जोन से है, तो आपको मान के चलना होगा अप्रोक्सीमेट विद इन 1 वीक आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारी दिक्कत आती है कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि जल्दी से जल्दी हमको चाहिए। तो देखिए, एक तो वो प्रोसीड्योर मैंने बता दिया कि इतना टाइम लग जाता है, और उसके ऊपर बहुत लोग बोलते हैं भाई अभी तक आपको, आपने मुझे ट्रैकिंग स्लिप नहीं दिया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो भैया देखिए, पहली बात ये, मैं इसको कोई ऐसा आपका क्या बोले जो भी सच्चा है वो मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभार छुट्टी रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे दशहरा, अभी दशहरा था कुछ दिन पहले, तो उस टाइम पे आपको पता रहेगा कि 4-5 दिन जो है कुरियर वाले का काम बंद रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत लोग जो है मैंने देखा कि उल्टा सीधा कमेंट भी कर रहे थे कुछ वीडियोस में, तो उनका जो है ऑलरेडी ऐसा था कि ऑलरेडी लगभग 4-5 दिन हो गया था, उनको ऑर्डर जो है प्रोसेस नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर देखिए, पता सभी को पता होना चाहिए, इतना तो आप जो है समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो है कुछ काम नहीं होता है दशहरे के टाइम पे, ना तो कोई क्या बोले आपका कोई भी ऑर्डर का काम रहता है, ना कोई आपका कुरियर वाले का काम होता है। तो उस टाइम पे हमको भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इतना अगर लेट हो रहा है तो हमारा तो ऑर्डर तो दिन के दिन आ रहा है, तो हमारा भी यहाँ पे जो है हमारा भी जो है उसमें मुश्किल हो रहा है। पर आप शायद वो थोड़े बहुत कस्टमर्स होते हैं कि वो समझते नहीं है कि हाँ उस टाइम पे हम काम नहीं कर पा रहे,
तो वो एक बात थी। तो बाकी क्या होता है, जितना भी मैंने टाइम बोला अभी, जैसे बिहार या फिर मतलब ईस्ट जोन के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर, तो ये ऐसा नहीं है। अगर 3 से 4 दिन के ज़्यादा जगह सच्ची में बताऊँ तो अगर एक वीक तक भी लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। एक वीक के बाद भी आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि कुरियर वाले मतलब हमारा काम कितने तक का है, बैट को पैक करके कुरियर वाले को हैंड ओवर करने तक का। कुरियर वाले का जो ड्यूटी है वो है आपका बैट हमसे लेके आप तक पहुंचाने का। तो उसके अंदर अगर कहीं पे भी लेट हो रहा है तो उसका पूरा डिपेंडेबल है वो कुरियर वाला कंपनी, ना कि हम, समझ रहे हैं। तो इस जगह पे अगर कुछ डिले होता है तो हम यहाँ से सिर्फ कंप्लेन तक कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि बैट आपका कुछ गुम हो जाएगा या फिर लेट आ रहा है तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है बैट एकदम सेफली आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि वैसे ही ट्रस्टेबल कंपनियां हैं, उनसे ही हम बेचते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आपको मतलब ये बोल सकता हूँ, अगर लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, कोई पैनिक करने की चीज़ नहीं है। माल अब तक जो प्रोडक्ट है, जो बैट है, अब तक एकदम सेफली पहुंचेगा और टाइमली, टाइम से तो कोशिश करेंगे कि वो टाइम से दे पाए, ठीक है। तो होप कि मेरा होप यही है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, और मतलब ऐसा है कि आपको इसके बाद बैट चॉइस करने में या फिर ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और देखते रहिए हमारे चैनल VIS क्रिकेट को, और अगर कोई बैट आपको ऑर्डर करना है तो आप सिंपली नीचे दिए नंबर 9547141097 पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि मेरे को ये वाला बैट चाहिए, मेरे को इस कंपनी का बैट चाहिए, तो आपको फुल असिस्टेंस मिल जाएगी। उसके बाद आप बैट चॉइस करके, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीपेड कैश ऑन डिलीवरी दोनों ही अवेलेबल है, तो आप ऑर्डर कीजिए और आपके लिए भी बुक कीजिए। ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट रेट आपको मिलेगा ओनली ऑन VIS क्रिकेट में। Thank you.